Thank you, Intiaz. Honorable Vice Chancellor, Professor Naseem Saab, Manja Madam, all friends from Education Department remotely connected to this workshop, and my Media Center colleagues. Very warm welcome to you, all of you, once again. I think काफी सारी बात already हो चुकी है. अमान साहब ने मेरी काफी सारी मुश्किल आसान कर दी. कुछ चीजें रेसा साहब ने भी वीडियो लेक्चर के ताल्लुक से बता दिया. अश्वनी साहब ने जो अज्म है, एक कमेटी बनी है कंटेंट प्रोडक्शन का, किस तरीके से हम लोग बिल्कुल एक टाइम गोल के साथ में इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो भी सब आपके सामने आ गया. व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदे फॉर्म किया गया है कि किस तरीके से आगे हम नेक्स्ट वन मंथ में मूव करेंगे, जिसमें पहला मरला जो बताया अमान उबैद साहब ने कि कॉन्टेंट लिखने का है, बेसिकली जो राइटिंग वाला काम है, उसके फौरन बाद में वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग होगी, और बाद में बाजाबता जब ये सारी चीजें आपके पास में आ जाएंगी तो उसको एक जगह प्लेटफॉर्म पे कोलेट करके प्रेजेंट किया जाएगा. बाजाबता लॉन्च होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का. बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है. तकरीबन 30-35 साल बाद में कोई पॉलिसी सामने आई है, बहुत ही डिफाइंड पॉलिसी, जहाँ पे एक टेक्निकल मैटर के ऊपर बहुत एक वाजे तौर पर बात होती है पॉलिसी के अंदर. आई थिंक थर्ड पार्ट है इस पॉलिसी का, जहाँ पे बाकायदा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात है बहुत ही डिटेल में, कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए होने जा रहा है नेक्स्ट मे बी 20-30 ईयर्स के लिए, ना सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए बल्कि स्कूल लेवल के लिए भी. सो एक ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अज्म है किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करने वाली है नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में. तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एजुकेशन में, तो ये ऑडियो विजुअल लेक्चर्स, ई कॉन्टेंट, ये अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं. इसका इम्पोर्टेंस हमेशा से रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शायद रियलाइज किया ये पैंडेमिक के दौरान में कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है. अगर ये टेक्नोलॉजी से हम लोग वाकिफ ना होते तो क्या हमारी लाइफ सेम होती जो 6-7 महीने पिछले गुजरे अभी हमारे? अभी बिल्कुल नहीं होती. अगर टीचर्स का वो एक्सपोजर नहीं होता ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करने का, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने का, तो शायद ना तो हम स्टूडेंट से सही तरीके से कनेक्ट हो पाते, और ना ही एक जो कंटिन्यूटी लाइफ की रही स्पेशली एजुकेशन सेटअप के अंदर, वो कंटिन्यूटी भी नहीं हो पाती. पता नहीं हमारा एकेडमिक ईयर कहाँ जाके सेट होता. तो एक जो रवानगी है, जो सो कॉल्ड थर्ड या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसकी ये देन है. आई थिंक बहुत लेट, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बहुत लेट हम लोगों ने रियलाइज किया कि आईसीटी टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कर सकती है, और वाकई किया, हम सब लोगों ने रियलाइज किया उस चीज को. क्वाड्रेंट के ऊपर बात किया अमान साहब ने, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा. और ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमको ये डराने वाली बात है या एक बहुत ही एक एलियन वर्ल्ड में हम लोग पहुंच गए, बिल्कुल भी नहीं है. सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंटली बता दूं यहाँ पे कि मनु हैज वंडरफुल वंडरफुल टीचर्स, यू नो, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टूडियो में आते हैं लोग, परफॉर्म करते हैं, कुछ लोगों को हमने खिताब दिया हुआ है कि वो एजुकेशन वर्ल्ड के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं. कोई भी कैमरा लगा दीजिए, किसी भी टाइप का सेटअप कर दीजिए, लाइटिंग लगा दीजिए. सो एक बहुत ही वो एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने आई थिंक 2 साल पहले एक वर्कशॉप किया था हमने, जहां से हमने IITs और NPTEL और इग्नोर कहां-कहां से वीडियोस, ये ई कंटेंट डाउनलोड किया था, वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड किए थे, वीजा भी हमने अपना भी कंटेंट लोगों को शोकेस किया. किस तरीके से मनु टीचर्स का एज था, आप इमेजिन कर सकते हैं, IIT के टीचर्स के उतने अच्छे वीडियोस नहीं थे. जो IIT के मीडिया सेंटर से वो वीडियो प्रोड्यूस किए हुए हैं, उनका वो लेवल नहीं था, ना ही टेक्निकल ना ही एस्थेटिकल. आप लोगों के वीडियोस उससे कई गुना बेटर थे, टेक्निकली भी, एस्थेटिकली भी, नैरेटिव बहुत अच्छा था. लेकिन क्योंकि हम लोगों का उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं हुआ, बहुत कम लोग वर्कशॉप, लाइक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक वर्कशॉप के अंदर शायद 100-150 लोग कनेक्ट हो जाएं, लेकिन वो तादाद शायद 60-70 तक लिमिट हो जाती है. तो अगर हम लोग खुद थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेके वो वर्कशॉप में तादाद अपनी बढ़ा लें, तो ये आगे ना सिर्फ आपको बेनिफिट करेगा, बल्कि टोटल जो एजुकेशन है, एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, और आगे की जो जनरेशन जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे आपके मवाद को, सब लोग बेनिफिट होंगे आगे. सो अपनी बात को बढ़ाते हुए, ये वीडियो लेक्चर जैसा अमान साहब ने बताया, ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कंटेंट का. ई कंटेंट को ऑलरेडी उन्होंने बता दिया होता क्या है, मैं छोटा सा फिर इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ. 2 कॉन्सेप्ट थे ई कंटेंट और MOOC. तो कंपोजिशन ऑलरेडी हमको पता है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ. ई कंटेंट को ये बाजार था, इसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स कमेटीज बैठी, भैया ई कंटेंट को कैसे डिफाइन करें, MOOCs को हम कैसे डिफाइन करें. शुरू में जब ये सारा टेक्नोलॉजी शुरू हुआ तो खाली वीडियो लेक्चर हुआ करता था, एक टीचर जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं ऐसे ही आप एक
टेक्नोलॉजी की सेटअप में आप आके बैठ गए, कैमरे के थ्रू आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो वीडियो लेक्चर हो गया आपका। लेकिन जब वीडियो लेक्चर को देखा गया कि नहीं भाई इसमें और एडिशन की गुंजाइश है अभी, सो वीडियो लेक्चर के साथ में एक और कंपोनेंट ऐड किया गया, ई टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं न्यूटन, मैं फिजिक्स का एक टीचर हूँ, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने एक वीडियो लेक्चर दे दिया 10-15 मिनट का न्यूटन्स लॉ के ऊपर। अब स्टूडेंट्स ने उसको पूरे कॉन्सेप्ट को जितना समझाया था, फॉर एग्जांपल 70% समझा या 60% समझा या 80% समझा, लेकिन स्टूडेंट्स को और कुछ चाहिए उसके ऊपर जानने के लिए, सप्लीमेंट्री रिसोर्स, तो उसको फिर नाम दिया गया ई टेक्स्ट का। कि भाई आपने वीडियो लेक्चर तो स्टूडेंट को दे दिया, अब इस वीडियो लेक्चर के साथ में एक और सप्लीमेंट्री सोर्स या रिसोर्स और चाहिए स्टूडेंट को, तो वो वीडियो लेक्चर के साथ में ई टेक्स्ट भी ऐड कर दिया गया, उसको नाम दिया गया ई टेक्स्ट। वो पीडीएफ फॉर्म में भी होता है, वो वर्ड फॉर्मेट में भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो बाजार पे एक आईसीटी का प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया गया, जहां पे आपको स्टूडेंट को एक एग्जांपल न्यूटन्स लॉ का आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, उसी के बाजू में आपको ई टेक्स्ट भी मिल रहा है लिखा हुआ उसके ऊपर। अब फिर एक अब स्टेप सोचा गया ऊपर कि क्या भाई ये दोनों चीज सफिशियंट है क्या स्टूडेंट्स के लिए। जब साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं भाई और थोड़ा और आई थिंक इसमें और हो सकता है थोड़ी चीज, तो बोला नहीं और इसमें एडिशनल रिसोर्स डालने की आप कोशिश कीजिए, कि आपने जो मवाद लिया है आपने जाहिर है टीचर ने एक रिसोर्स जो उसका अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है वो आपने वीडियो लेक्चर में समझा दिया। नाउ ई टेक्स्ट भी जाहिर है टीचर ने क्रिएट किया है, उसने डिफरेंट रिसोर्सेज से लाके ई टेक्स्ट रख दिया, वो भी स्टूडेंट को दे दिया। नाउ स्टूडेंट उसमें और टॉपिक को डिफरेंट लेवल पे समझना चाहता है स्टूडेंट, तो जितनी भी मल्टीपल रिसोर्सेज मौजूद पॉसिबल हो सकती है टीचर ने वो रिसोर्सेज भी ई टेक्स्ट ई रिसोर्सेज की शक्ल में वहां पे रख दिया, जिनको ई रेफरेंसेस हम बोलते हैं। तो टिपिकली ई कंटेंट को जब डिफाइन किया गया फाइनली, तो उसमें तीन एलिमेंट आते हैं ई कंटेंट में बेसिकली, जो इंडिया और इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड और बाकी सब पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी ई कंटेंट इसी फॉर्मेट में पॉपुलर है, जिसमें एक वीडियो लेक्चर होता है, उस वीडियो लेक्चर का पैरेलल होता है उसका ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट के साथ में होता है ई रेफरेंस, मतलब फर्दर आप रेफरेंसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को उसके ऊपर और पढ़ने के लिए। तो ये ई कंटेंट डिफाइन हो गया जो कि हम बेसिकली प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अमान साहब ने एक चीज और बोली थी कि ई कंटेंट अभी हम इस स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसको स्केल करने का हमारा प्लान है, इसको मूव की शक्ल दिया जाए। मूव क्या होता है, मूव का जो एक्रोनिम है इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बेसिकली ई कंटेंट ही है, लेकिन ई कंटेंट को और डिफरेंट शक्ल में देखें, इसको एक प्लेटफॉर्म को जो कि ऑनलाइन है जहां पे लाइव कोर्सेज चलते हैं उस पे इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, जहां पे आपका वीडियो लेक्चर भी है, ई टेक्स्ट भी है आपका, ई रेफरेंस भी है, सेल्फ अटेस्टमेंट सेल्फ असेसमेंट आपकी क्विजेस भी है वहां पे। अब टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्विज भी ऐड कर दिया कि भाई आपने अभी वीडियो लेक्चर देख लिया इस टॉपिक के ऊपर, आपने ई टेक्स्ट भी पढ़ लिया इसके ऊपर, अब मैं आपसे कुछ 10 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, आपको इसके आंसर कर रहे हैं, आप आंसर करेंगे इसके तो मैं आपकी मार्किंग भी कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको वीडियो लेक्चर भी दे दिया, ई टेक्स्ट भी दे दिया, आपने उसको क्विज भी दे दिया, फिर टीचर उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है आईसीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप मुझसे डिस्कस भी कीजिए इस टॉपिक के ऊपर, कोई अगर कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन एक इंटीग्रेशन होता है, टीचर बजाता वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो मूक्स में चार एलिमेंट आ गए, वीडियो लेक्चर, ई टेक्स्ट, आपका क्विजेस होगी और फिर आपका ऑनलाइन डिस्कशन हो गया। अब क्या ये बाजाबता एक कोर्स बन गया, मूक्स मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मतलब एक कोर्स हो गया बाजाबता, जैसे हम क्लास में कोर्स करते हैं ऐसे आप ऑनलाइन आप कोर्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो जाहिर है आपने पूरी यूनिट का एक मूक कोर्स उनको बना के दे दिया, जिसमें क्लास में आने की बजाय में स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिप कोर्स करते हैं, उसको ऑफ करते हैं और बाजाबता उनकी मार्किंग होती है, क्रेडिट मिल जाते हैं उनको। तो ये मोटा मोटा बहुत ही सिंपल जबान में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि ई कंटेंट और मूक्स में डिफरेंस क्या है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप इस एनईपी को तब्दील करने का है, ई कंटेंट में तब्दील करने का फर्स्ट स्टेप, बट दैट डजंट मीन क्योंकि हम लोग इसको स्केल करने वाले हैं मूक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, तो टीचर्स को हमको ई टेक्स्ट देना है जैसा अमान साहब ने बोला, उसके ई रेफरेंस भी देना पड़ेगा, जाहिर है दो आपको वर्ड फाइल देने पड़ेंगे अपना जो भी टॉपिक आपको अलाउड हुआ है, और थर्ड आप एक और फोल्डर बना के उसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दे दीजिए। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है एनईपी के अंदर, आपको एक वो यूनिट मिली हुई है, आपने उसका ई टेक्स्ट तैयार कर दिया, आपने ई रेफरेंसेस भी उसके तैयार कर दिए, आपने उसकी 10 क्वेश्चंस की क्विज भी हमको दे दी साथ में। अब क्या हमारे पास रेडीमेड मटेरियल है, ई कॉन्टेंट तो बन ही जाएगा, लेकिन जब भी हम ई कॉन्टेंट को मूक्स प्लेटफॉर्म में तब्दील करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास रेडीमेड मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, खाली हमको एक आईसीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर डालना है उसको, बस उतना ही हमारी जिम्मेदारी रहेगी।
क्योंकि ये प्रोजेक्ट को हम डिले नहीं करना चाहते, इस वजह से पहला स्टेप हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट अस टेक दिस होल एनईपी ऑन ई कंटेंट प्लेटफॉर्म फर्स्ट। अगर ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पे एक बार ये आ गया तो मूव को तब्दील करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। सो दैट वॉज द होल स्ट्रेटजी। आई एम श्योर सारे टीचर्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अमान साहब ऑलरेडी ये आईएमसी का जो ई कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म ने बनाया है, किस तरीके से डिफाइन किया है पूरे ई कॉन्टेंट को ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, इससे बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हमने इसमें क्या किया था, पेपर वाइज डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन ट्रेनिंग का पूरा डिपार्टमेंट है तो उनके सारे बहुत सारे पेपर्स हैं वहाँ पे, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर्स हैं, तो पेपर्स को पहले कॉलम में लिया, फिर उसमें पर्टिकुलर पेपर का कौन सा वीडियो लेक्चर है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिया, फिर उसका ई टेक्स्ट उसके आगे है, ई रेफरेंसेस आगे, किसने प्रोड्यूस किया है उनके नाम भी है, वो टीचर्स के रिसोर्स पर्सन के नाम भी आपको मिलेंगे। तो जब फाइनली आपका ई कॉन्टेंट एनईपी के ऊपर लोड होगा तो इसी फॉर्मेट में ये लोड होगा, जहाँ पे बाजाबता रिसोर्स पर्सन के नाम भी वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। और ये सारे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज एक अलग मार्किंग है टीचर्स के लिए। तो अगर आप एक ई कॉन्टेंट प्रोड्यूस करो या एक मूक प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका एक अलग से इसका मार्किंग सिस्टम भी है, जो आपको हमेशा करियर में बेनिफिट करेगा। ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ई कॉन्टेंट बना देना या मूक्स पे कोई चीज प्रोड्यूस कर देना एक टीचर के लिए। तो दिस इज ए फॉर्मेट जिस हिसाब से ये पेश किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। नाउ जो तीन क्वाड्रेंट की अमान साहब ने बात की थी, ई टेक्स्ट का एक क्वाड्रेंट होता है जो आपको लिख के देना है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है वीडियो लेक्चर प्रोडक्शन, बेसिकली वो ई ट्यूटोरियल है। तो वीडियो लेक्चर को बेसिकली कैसे प्रोड्यूस करना है अपने को, हम टीचर्स हैं, टीचर्स आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे 30-40 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है उनको, एक डिफरेंट एनवायरमेंट हमेशा देखते आए हैं शुरू से। एक जमाना हुआ करता था बस खाली टेबल चेयर्स हैं, एक ब्लैक बोर्ड है, चौक है, वो स्टार्ट हुआ एक क्लासरूम सेटअप। फिर धीरे धीरे थोड़ा आईसीटी एनेबल टेक्नोलॉजी क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी गई, जहाँ पे एक प्रोजेक्टर आ गया आपका, एक स्क्रीन आ गया, तो टीचर्स ने अपने डायग्राम वगैरह या वीडियोस वहां पे शेयर करने शुरू किए स्टूडेंट्स के साथ में। अब एक स्टेप और दुनिया आगे मूव हो चुकी है, जो मूव और ई कॉन्टेंट का जमाना है, जहां पे वीडियो लेक्चर को बाजाबता एक टेक्निकल वीडियो प्रोडक्शन सेटअप में शूट किया जाता है। सो ये वीडियो लेक्चर प्रोडक्शन को समझने के लिए जाहिर है वो टेक्नोलॉजी को हमको जानना जरूरी है, वो स्पेस को समझना बहुत जरूरी है। मेरा अगर एज ए टीचर कहीं अपॉइंटमेंट होता है, अगर मैं अपनी क्लास को जाके नहीं देखूंगा एक दिन पहले, भाई वो क्लास है कैसी, कितना बड़ा मुझे स्टेज मिला हुआ है, कितना बड़ा मेरा बोर्ड है, क्या बोर्ड मेरी लेंथ को शूट करता है कि नहीं, मैं चौक वहां पे प्रॉपरली मौजूद है कि नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं इंटरेक्टिविटी कैसे बिल्ड करूंगा, या अगर वहां पे कोई आईसीटी एनेबल टेक्नोलॉजी लगी हुई है कोई ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर, कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे उसका ऑपरेशन आता है कि नहीं आता है। तो जितना मैं एक टीचिंग स्पेस को अच्छे से समझूंगा, मैं जाहिर है अपना आउटपुट भी अच्छे से दे पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही वीडियो लेक्चर जो प्रोड्यूस करते हैं हम एक स्टूडियो सेटअप को, या जो भी टेक्निकल सेटअप आपके पास मौजूद है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, जितनी अच्छी तरीके से वो टेक्नोलॉजी को आप समझ लेंगे, उसके एस्थेटिक्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उतने अच्छे से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी वीडियो लेक्चर को। आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट के, आपको बोलने में महारत है, लेकिन एक पोडियम के ऊपर बोलना, क्लासरूम के ऊपर बोलना, दोनों डिफरेंट स्पेसेस है। आप क्लास में आपके पास जाहिर है बहुत सारा इंटरेक्टिविटी के बहुत सारे हेड्स आपको दिख रहे हैं, आप अपने हेड्स को किसी भी टर्न कर सकते हैं, किसी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सेम एनवायरनमेंट आपको स्टूडियो सेटअप में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको यू नीड टू अडॉप्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। उसी के लिए वर्कशॉप है कि जो डूज एंड डोंट्स हैं वीडियो लेक्चर प्रोडक्शन के, आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, अगर कोई डिफिकल्टी है आपके सामने तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसी के लिए वर्कशॉप है, जो आगे की चंद स्लाइड में आपको वो सारे क्वेरीज आपकी सॉल्व कर देंगे अगर जहन में वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि दो तरीके के स्पेसेस हैं यहाँ पे, हम लोग अपना नॉर्मल एक क्लासरूम में आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जहाँ पे टीचर है उसके सामने स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, नॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कभी बोर्ड पे जा सकता है वो, कभी टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, एक डिफरेंट स्पेस है, उसको ऑलमोस्ट 360 डिग्री टर्न करने का स्कोप है टीचर्स को इंटरेक्टिविटी करने का। बट द मोमेंट यू शिफ्ट इनटू यू नो वीडियो लेक्चर प्रोडक्शन मोड, वहां पे क्या है, आप और आपके सामने एक कैमरा है, वो कैमरे का एक लेंस होता है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में होता है लेंस, वो लेंस बड़ा हो सकता है, वो एक मोबाइल का छोटा लेंस हो सकता है, आपके लैपटॉप में जो कैमरा लगा है वो छोटा लेंस हो सकता है। तो वही आपकी जो लेंस है वीडियो लेक्चर में, वही आपका क्लासरूम है, वही आपकी क्लास है। तो वो इंटरेक्टिविटी कैसे उस लेंस से बिल्ड किया जाए,
उसके लिए ये वर्कशॉप है, उसमें क्या क्या चीजें आपको केयर करनी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, खाली गौर से उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार आप सुन लेंगे उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें कोई भी दुश्मनी आपको कभी भी नहीं होगी। बस वो चीजें जो मैं आपको बताऊंगा आगे 10-15 मिनट में, उसको गौर से आपको सुनना है और उनके ऊपर थोड़ा सा अमल करना है। तो ये दो स्पेस जब आप समझ गए, एक स्पेस में आपके पास स्टूडेंट है टीचर के सामने, एक स्पेस में आपके सामने कैमरा है, मतलब उसका लेंस है। तो जब हम लेंस की बात करते हैं, अब लेंस है तो गोल, लेकिन जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो कैसा आता है लेंस का आउटपुट? ये जो चार लाइन है, दो हॉरिजेंटल और दो वर्टिकल, इसको फ्रेम या शॉट बोलते हैं हम लोग। कैसा भी लेंस हो, छोटा बड़ा, उसका आउटपुट आपको इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलेगा हमेशा। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जब आप अपने आप को देखेंगे एज ए लेक्चर, आप स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप इतने मिड शॉट में रहेंगे, यहां तक आप अपने आप को देख पाएंगे। अगर कुछ चीज आप टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, कोई डायग्राम दिखाना चाह रहे हैं, वो भी आपको इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा वहां पे। तो एक बार आपने इस स्पेस को समझ लिया, तो समझ लिया आपका आधा मरला आपका हल हो गया, क्योंकि आपने एस्थेटिक्स को, आपने बेसिक जो एस्थेटिक्स है वो समझ लिया आपने, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये जो आउटपुट जो आता है इसका, लेंस का, कैमरे का जो आउटपुट आता है, ये जो चार पांच आपको रेक्टेंगुलर शॉट्स दिख रहे हैं, इस तरीके से आउटपुट आपको मिलेगा इसका। लैपटॉप में आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में हेड दिख रहा है इनका, टीचर है एक यहाँ पे ऊपर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहे हैं, या आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, या आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद नहीं आना चाह रहे स्क्रीन पे, कुछ डायग्राम आप स्टूडेंट को समझाना चाह रहे हैं या कुछ फॉर्मूला समझाना चाह रहे हैं, इस फॉर्मेट में आपको विजिबल होगा। ये बेसिक मोटा मोटा एस्थेटिक्स हो गया इस वीडियो प्रोडक्शन का। नाउ जाहिर है, जो एक बार आपने एस्थेटिक समझ लिया, तो ये बेसिकली एस्थेटिक्स का मतलब ये है कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है ऑडियो वीडियो पैकेज, एक चार दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइन में इंफॉर्मेशन पैक की जा रही है आपकी। वो 10 मिनट का लेक्चर हो सकता है, 20 मिनट का लेक्चर हो सकता है, वो कितने मिनट का इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने ये यहाँ पे समझ लिया, लेंस, एक कैमरा लेंस के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है, और एक ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो ऑडियंस को दिखाई देगी इन्फॉर्मेशन। ये हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, जब ये स्टडीज को हमने समझ लिया, एक रिसोर्स पर्सन से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहीं पे जाएंगे, ई ट्यूटोरियल या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहीं पे भी जाएंगे। जाहिर है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, और जो वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कंटेंट रेडी होना चाहिए उनके पास। क्लास में आप विदाउट प्रिपरेशन एक बार के लिए जा सकते हैं, वैसे कहीं पे भी विदाउट प्रिपरेशन नहीं जाना चाहिए, हमेशा तैयार करके जाएंगे तो यू विल ऐड यू नो डिफरेंट एंगल्स टू योर प्रेजेंटेशन। लेकिन वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए जब भी आप जाते हैं तो हमेशा तैयारी करके जाइए आप, विदाउट तैयारी बिल्कुल भी वीडियो लेक्चर के लिए नहीं जाना। उसका मतलब क्या है वो भी आगे अभी बयान होगा, तैयारी का मतलब क्या है बेसिकली, किस टाइप की तैयारी करनी है आपको। सो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 50% लोग जो है रिमोटली कनेक्टेड हैं, जाहिर है वो एमसी स्टूडियो में नहीं आ सकते। कुछ लोग यहाँ पे हैदराबाद में बेस्ड हैं, वो आसानी से एमसी स्टूडियो में आके रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उनको दुश्वारी थोड़ी कम होगी। दुश्वारी एक्चुअली कहीं पे भी नहीं है अगर टेक्नोलॉजी को हमने समझ लिया, बहुत ही आसान चीजें हैं। नंबर टू है कॉन्टेंट जो तैयार करना है आपको, जो वैद्य साहब ने आपको बोला कि कॉन्टेंट आपको बाजाबता लिखना है, तो जब आप लिख रहे हैं कॉन्टेंट को आधी तैयारी आपकी ऐसे ही होगी, अब उसको आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है एक्चुअली कैसे प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के अंदर आता है। सो वी विल मूव टू दैट फॉर्मेट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दो तीन तरीके के प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे। एक तो आईएमसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होगी जो लोग हैदराबाद में मौजूद है, कुछ लोग को हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करेंगे, जिनके पास प्लेटफॉर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है। जिनके पास कनेक्टिविटी अच्छा नहीं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे कंसर्न यूनिट को हमको रिकॉर्ड करके दे दें, व्हाट्सएप पे या गूगल ड्राइव में उसको अपलोड कर दें, और हम उसको यहाँ पे बाजाबता एडिट करके प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे। तो वो किस किस तरीके से किन किन लोगों को ये देना है वो भी आगे हम डिटेल में बताएंगे। सो तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया टोटल रिकॉर्डिंग को। सो एक लॉट तो हो गया जो हैदराबाद में मौजूद है, उनको एमसी स्टूडियो में आना ही पड़ेगा, उनको कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपने घर पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि इतना अच्छा फैसिलिटी, इतना बेहतर फैसिलिटी कहीं मिलेगा नहीं आपको इतनी आसानी से। सारे जो लोग कश्मीर में या भोपाल में या दूसरी जगह पे, उनके पास मजबूरी हो या नहीं आ सकते, तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या वो खुद रिकॉर्ड कर लें मोबाइल पे। वो कैसे करना है वो भी हम अभी आपको बताएंगे, वो हमको फाइल वो भेज सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिसोर्स पर्सन का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको ध्यान में रखना है। सारे रिसोर्स पर्सन को बहुत ही आसान है, लेकिन
अगर ये सारी चीजें जहन में रखेंगे तो वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर द यूनिट चैप्टर वीडियो लेक्चर वेल। अब इसका मतलब क्या है, आपको एक टॉपिक दे दिया, फॉर एग्जांपल अमान साहब ने एक टॉपिक लिया हुआ था, उनको टॉपिक दे दिया गया, तो आप बिना तैयारी के तो जा नहीं सकते हैं, आपको उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा बाजाबते कि आप शुरू में क्या बोलने वाले हैं, उसके बाद में क्या बोलने वाले हैं, मिड पोर्शन में आपके लेक्चर में क्या होगा और उसका वाइंड अप कैसे करेंगे। या ऐसा नहीं कि मैंने बस खाली सोच लिया मैं बोल दूंगा, वो स्ट्रक्चर हमेशा आपके पेपर के ऊपर होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप पूरा लेक्चर जो भी 10-12 मिनट का शुरू से लेकर आखिर तक आप उसको टाइप कर लीजिए स्पोकन लैंग्वेज में। स्पोकन लैंग्वेज क्या होती है वही मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ लेक्चर जो है ये पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान। कभी भी ब्लैंक मत जाइए कैमरे के सामने, हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे हम ओपन करते हैं किसी भी लेक्चर को, आप पूरा जैसे आपके आपके ऊपर कैमरा आएगा तो आप बोलते हैं कि आई एम सो एंड सो फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के तदरीसी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, इसके ऊपर हम आपके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको आज ये बताऊंगा, वो आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपका आधा मरला वहां पे सॉल्व हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। वो पेपर भी अगर आप सामने रख लेंगे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आप पेपर से पहले हेडिंग्स के क्लू दे रहे हैं, तो आपने हेडिंग आपने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है तो आप स्ट्रक्चर को क्लोते जाएंगे वन बाय वन स्टेप वाइज। अब इसमें क्या ना, अगर आपकी स्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो आप बैक एंड फोर्थ आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, बिकॉज कैमरे को जब आप देखते हो तो आप थोड़ा भूलने का टेंडेंसी शुरू हो जाता है कई बार, तो भूलने का टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपके पास स्ट्रक्चर रेडी है आपके सामने। मीन्स शुरू से लेके आखिर तक के आपने पॉइंट नोट किए हुए हैं, आपको मुझे पहले ये पॉइंट बोलना है फिर ये, वो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए। एक बार आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी स्क्रिप्ट को आप लिख लीजिए उसी स्ट्रक्चर के ऊपर, बेस के ऊपर स्केलेटन आपका रेडी है, आपने उसी को एलोबरेट कर दिया फिर आपको पूरा, क्योंकि अभी तो आपने हेडिंग लिखे थे, आपने हेडिंग को आपने पूरा एलोबरेट कर दिया, आपका पूरा पुख्ता मामला हो गया, कोई उसमें भूलने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। लिख लिया, लिखने के बाद में सबसे रिसोर्स पर्सन से हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है कि उसको एक बार अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। आप पूरी स्क्रिप्ट को जैसे कैमरे के सामने आप मोबाइल फोन लगा दीजिए अपना, आप रिकॉर्ड कर लीजिए पूरी स्क्रिप्ट को, बेहतरीन आपको आउटपुट मिलेगा देखने का। आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो उस रिकॉर्डिंग को अपने किसी कुलीग को भेज दीजिए, तो आप मुझे बताइए कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, या कहीं मेरा प्रोनंसिएशन गलत है, या कहीं मेरी स्पीड फास्ट हो रही है, या कहीं मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, या कहीं बहुत हल्के बोल रहा हूँ, कहाँ पे ज्यादा मुझे एम्फसिस करना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स हैं, ये प्रैक्टिस से ही आती है हमेशा, इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता अनटिलनेस यू प्रैक्टिस इट। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट मरला है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो मटेरियल है लाइक आपका पीपीटी है, फॉर एग्जांपल आपका 12 मिनट का एक लेक्चर है, उसमें आप 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट को दिखनी चाहिए, वो बीच में इंसर्ट होगी आपके शो के अंदर, आपके लेक्चर के अंदर, तो वो रेडी होनी चाहिए आपके लेक्चर रिकॉर्डिंग से पहले। आइडियली एक हफ्ते पहले वो मटेरियल प्रोड्यूसर को मिल जाना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक है, इस पे मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट है वो भी रेडी है, देखिए मैंने पीपीटी पूरा रेडी कर लिया है कि ये पीपीटी इसमें इंसर्ट होगी बाद में फाइनल लेक्चर के अंदर। ये मोटा मोटा आपका रिक्वायरमेंट है जो अगर रिसोर्स पर्सन पहले से रेडी कर लेते हैं तो जब वो आते हैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए कोई दुश्वारी नहीं होती है। दुश्वारी उसी शक्ल में होती है जब आप तैयारी के साथ नहीं आते कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरा क्या है कि वो 24 फ्रेम्स रिकॉर्ड करता है एक सेकंड के अंदर, तो अगर वो एक सेकंड में हम लोग इधर देख पाएंगे लेकिन वो एक सेकंड में 24 बार देखता है आपको, तो 24 बार आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो हम आपको फ्रीज करके दिखा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कैमरे के साथ जब भी जाएं सामने आप पूरी तैयारी के साथ में जाइए, और जाहिर है आप अपनी क्लास के लिए अगर तैयार करते हैं तो वीडियो लेक्चर के लिए थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए 20 मिनट का, उतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये प्रीरिक्विजिट अगर आपने कर लिया, सब कुछ आपका रेडी है, तो आपको कोई भी अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड करने से रोक नहीं सकता। कोई भी सेटअप लगा दीजिए आपके सामने, कितनी लाइट लगा दीजिए, कितने लोग खड़े कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्केलेटन आपका रेडी है, आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली उसकी, कोई आपके पास इश्यू ही नहीं है, खाली आपको डिलीवर करना है। डिलीवर कैसे करना है ये भी आपको टेक्निक बताई जाएगी आगे। सो ये वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन कितना होगा जो आप रिकॉर्ड करने चाह रहे हैं, आइडियली ड्यूरेशन शुड नॉट एक्सीड 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आइडियल ड्यूरेशन है।
कोशिश कीजिए कोई भी वीडियो लेक्चर जो भी है आपका 10 मिनट में खत्म हो जाए, अगर नहीं होता 15 मिनट तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में भी नहीं खत्म हो रहा है तो उसको आप पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, एक कॉन्सेप्ट को स्प्लिट कर सकते हैं आप। तो जब पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं किसी भी वीडियो लेक्चर को, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आज के लिए इतना ही, सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे। तो जब सेकेंड पार्ट की आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आप जहां आपने फर्स्ट में छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट करते हैं कि नाज़रीन देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये बताया था, आज हम यहां से आगे मूव करेंगे इसके ऊपर। तो बाज़ादा जैसे एक आम वक्ता होता है पूरा कंटिन्यूटी पूरी रहती है, लाइक तीन लेक्चर्स में हमने एक कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर दिया। तो ये 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वीविंग पैटर्न होता है ऑडियंस का वो 10 से 12 मिनट वो एक डिवाइस के ऊपर ठहरता नहीं है। तो हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए बना रहे हैं किसी भी कॉन्टेंट को, तो अगर उसको देख ही नहीं रहे तो उतना लंबा बनाने का फायदा क्या है। तो ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योर वीडियो लेक्चर, वो प्रैक्टिस रहेगा। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप उसको पढ़ के देखिए मैं कितने मिनट में उसको खत्म कर दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये 10 से 15 मिनट के अंदर सेट हो जा रही है मेरी स्क्रिप्ट। ओके, अब उसकी एक स्ट्रक्चर अमान साहब ने बताया था वीडियो लेक्चर में किस क्या तरतीब क्या होगी उसकी। तो वीडियो लेक्चर जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक आता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ टॉपिक के अंदर। उसके बाद आप उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताते हैं, क्या क्या इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद में आप ये चीज सीखेंगे आज, वो चार पांच पॉइंट आप बता दीजिए, बाजाबते लिख के आएंगे, आपका प्रोड्यूसर को आप बताएंगे स्क्रिप्ट में कि ये पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो बाजाबता स्लाइड आएगी उस चीज की, क्या इस लेक्चर को आप देखने के बाद में ये चीजें आप सीखेंगे। उसके बाद में मेन सब पॉइंट, जाहिर है जो की पॉइंट आपने ऑलरेडी डिफाइन किए स्टार्टिंग में, उन्हीं के ऊपर पूरा आपका लेक्चर बेस होगा। आप क्या क्या बताने जा रहे हैं, आपका 10 या 12 मिनट का जो भी लेक्चर है उन्हीं को आप एलोबरेट करने वाले हैं, तो वो पूरी बॉडी आपने बता दिया। लास्ट में जब आप समाप्त करते हैं फिर दोबारा बताते हैं, देखिए आज हमने आपको ये चीज बताया, आज हमने आपके साथ ये चीज डिस्कस किया जिसमें आपको ये चीज जानने का मौका मिला। अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर कोई है तो उसमें बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज यू वाइंड अप दी फॉर फर्दर रीडिंग के लिए आप बता के उनको वो फर्दर रीडिंग आप इन इन टेक्स्ट को, इन इन बुक्स को या इस वेबसाइट को कंसल्ट कीजिए, उतना बना के आप वाइंड अप कर दीजिए अपने लेक्चर को। सो ये स्ट्रक्चर है एक वीडियो लेक्चर का, जो 10 से 12 या 15 मिनट का आपका वीडियो लेक्चर होगा, इस तरीके से आपको अपने वीडियो लेक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैं आपको दो सैंपल दिखाऊंगा वीडियो लेक्चर जो हमने शूट किए हुए हैं, उनसे और अच्छा अंदाजा हो जाएगा आपको। अब प्रेजेंटेशन टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सबको तैयारी करके कैमरे के सामने आगे आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो सब लोगों को बोला जाता है, वो तो हर एक जगह बोला जाता है, कोई भी आपका वर्किंग स्पेस हो, बी कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट आपको होना ही हमेशा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं पे आप स्लिपी मामला हो जाता है। आप चाहे मैं आप पोडियम पे बोल रहा हूँ, चाहे आप बैठे हुए हैं, एक बैठने में भी एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपका, आप कितने अच्छे लिसनर हैं, या आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं किस तरीके से क्लर्क से बात कर रहे हैं या किस तरीके से ऑफिसर से बात कर रहे हैं आपका, वो भी कॉन्फिडेंस हमेशा हर जगह काम आता है आपका। ऐसे ही यही कॉन्फिडेंस आपका तभी झलकेगा जब आपका पूरा मटेरियल आपका रेडी है। आप विदाउट प्रिपरेशन आ जाएंगे तो आप 2 मिनट में आपका लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो स्ट्रक्चर रेडी नहीं है आपका, वो रेडी होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो चीज है, आपको प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट योर लेक्चर वेल, पूरा लिख लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर टू, बॉडी लैंग्वेज जो बात कर रहे थे रजिस्ट्रार साहब, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टिफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने किसी ने कैद करके बैठा दिया है, बहुत सारे बड़े टेंस बैठते हैं ऐसे कैमरे के सामने, बिल्कुल ही बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है अभी, अगर मैं आपको ना भी देखूं मैं कैमरे के सामने ऐसे ही बोलूंगा सामने, बस मुझे क्योंकि मुझे पता मेरा स्पेस वही है, मैं उधर ही देख के बोलूंगा, मैं आप लोगों को देखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बड़ा फोकस्ड हूं, मुझे इस चीज के ऊपर लेक्चर देना है, 15 मिनट का मेरा लेक्चर है, ये पॉइंट्स मुझे बोलने हैं, यहाँ इस पॉइंट पे मैं खत्म कर दूंगा अपना लेक्चर, उतना ही ध्यान में रखना है। सो बिट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो वर्क हियर, कि जब आप देख कोई शैतान स्टूडेंट बार बार आपको क्लास में परेशान कर रहा है कुछ ना कुछ, तो बार बार आप एक बार डांटेंगे, दो बार डांटेंगे, तीसरी बार उसको आप टच नहीं करेंगे, अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही आपको जितना भी आपका वर्किंग स्पेस जो है वीडियो प्रोडक्शन का जो भी गिज़्मो लगे हुए हैं वहां पर, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, खाली आपका जो कैमरा लेंस है वो आपका स्पेस है, उसमें देख के आपको 10-12 मिनट स्पेंड करने, उसके बाद में यू हैव टू चेक योर आउटपुट, वो फौरन आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद। अच्छा, जो इसमें स्पीच का जो मरहला है, कैसे आपको बोलना है, ना तो बहुत हाई टोन में बोलना है ना ही बहुत लो टोन में बोलना है, एक मिड टोन आपको रखना है, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना है। अभी देखिए मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ एम्फेसिस, जहां मुझे एम्फेसिस देना है मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, इट्स सो दैट मेरे ऑडियंस
उस चीज को अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। तो वो ये स्पीच का ख्याल आपको बार बार रखना है, क्योंकि माइक का पिकअप पैटर्न होता है जैसे साउंड को पिकअप करता है। आप बहुत ज्यादा जोर से बोलेंगे एकदम किसी चीज को तो उसमें ब्लो आएगा साउंड का, बहुत कम रहेंगे तो बहुत कम लेवल रहेगा आपका तो आपका सिग्नल तो रिकॉर्ड हो जाएगा लेकिन उसको फिर एडिटर को थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा लेवल मैच करने के लिए, उसमें क्या है ना कई बार नॉइज भी ऐड हो जाता है। सो बेस्ट तरीका यह है कि क्योंकि 10-12 मिनट का लेक्चर है उसको एक कंटिन्यूअस टोन आप मेंटेन कीजिए, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मेरा जैसा टोन है ऐसा टोन आप मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड भी ये मेंटेन कर सकते हैं। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऐसे नहीं बोल सकता मैं इस चीज को बिल्कुल, क्योंकि वो क्लैरिटी आप स्टूडेंट के लिए मौजूद नहीं हो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद में, खाली आपका मटेरियल मौजूद है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट के पास मौजूद नहीं हो। एक बार आपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, वो रिकॉर्ड जैसे आपने किया है उसी फॉर्मेट में उसके पास में जाएगा। सो एक क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी भी चीज को, उसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको हम अपने तरीके से प्रोनाउंस कर दें स्टूडेंट अपने आप समझ लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी कोई शक है किसी प्रोनाउंसिएशन में कैसे करना है, वो बाज़ाब्ता आपको पूछना चाहिए अपने कोलीग से कि भाई ये सही है कि नहीं सही है, क्योंकि स्टूडेंट के पास वो चांस नहीं है, स्टूडेंट को जो आप समझाएंगे वही उसको पढ़ेगा, या तो कंफ्यूज होगा उससे या उसको फायदा मिलेगा। तो ये स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर कोई डायग्राम आप शो करना चाह रहे हैं या कोई चार्ट शो करना चाह रहे हैं तो अगर देखिए विजुअल मीडियम का एक इंपॉर्टेंस है, विजुअल मीडियम में कुछ भी आप दिखा रहे हैं, कोई डायग्राम है कोई बार चार्ट है कुछ भी आप शोकेस कर रहे हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंस है, वहां पे कोई भी अननेसेसरी कोई चीजें नहीं रहती। एक छोटा सा मैं किस्सा आपको बताऊंगा, सत्यजीत रे का नाम सब लोगों ने सुना है, बहुत ही आई थिंक 5K फिल्म मेकर थे इंडिया के और ऑस्कर अवार्ड उनको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक फिल्म शूट में एक बार वो गए तो उनकी जो बड़ी फेमस फिल्म थी पाथेर पंचाली, फर्स्ट फिल्म थी उनकी जो बहुत ही मकबूल हुई, तो उसमें एक सीन है कि वो फ्लड आता है गांव में, तो जाहिर है गांव का सिचुएशन कैसा होता है, झोंपड़ी टूट गई है, सब कच्चे मकान उस में होते थे, 50s की फिल्म थी वो, और सब कुछ इतर बितर है सारा मामला। तो एक बाहर जो चला गया था एक पर्सन, वो वापस अपने गांव में घर आके देखता है तो सब कुछ पूरा बर्बाद हो चुका होता है उसका। फिल्म देखने के बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सत्यजीत रे से कि सर वो एक पर्टिकुलर शॉट में ये उनका मकान पूरा टूटा हुआ है जो कैरेक्टर है मेन फिल्म का, और झोपड़ी दिख रही है, उनकी बेटी इधर बैठी हुई है, बीवी उधर बैठी हुई है, सो लेकिन वो कुत्ता वहां से पीछे से क्यों आता है, उस शॉट में एक कुत्ता दिखाया आपने, कुत्ता पीछे से क्यों आता है? सत्यजीत रे ने क्वेश्चन जब उन्होंने सुना उन्होंने बोला कि अरे कुत्ता कहाँ था उस शॉट में। सो सब लोग सरप्राइज कि सत्यजीत रे ऐसा बोल रहे हैं, क्या कुत्ता भी था उस शॉट के अंदर? वो एक्चुअली जोक कर रहे थे, क्योंकि विजुअल मीडिया में कोई भी चीज अनवांटेड या ऐसी बाई चांस नहीं होती कोई भी, वो डेलिबरेटली होती है सारी चीज। सो अगर आप प्रेजेंटर हो, अगर आप फिल्म मेकर हो, अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो, जो भी एलिमेंट अगर आप छोटा सा टेक्स्ट भी वहां पे लिख रहे हैं तो उसका भी एक इंपॉर्टेंस है आपके ऑडियंस के लिए। आप ऑडियंस की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, वो वही समझ सकता है, ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट है अपना। आप वीडियो लेक्चर कोई रिकॉर्ड कर रहे हो, एक नॉइज आ गया, दम से कोई साउंड आ गया, कोई कलम गिर गया, उसका फौरन उसका जहन उधर जाएगा, ये क्या हुआ अचानक। आप सीधा कैमरे में देख रहे हैं, आपने सडन इधर देखी, आपने उसका इमेजिनेशन उधर चला जाएगा, ये इधर इन्होंने क्यों देखा, आप नहीं समझेंगे बिकॉज आपने रिकॉर्ड किया हुआ। जब फिल्म देखते हैं कैरेक्टर बैठा हुआ है, कहीं से बेल का साउंड आया, जबकि बेल बजाया नहीं गया वहां पे, बेल का साउंड नॉन डाइजेटिक साउंड बोलते हैं सिनेमेटिक स्पेस में उसको, जो बेल का साउंड बताते हैं एक्चुअली बेल का साउंड नहीं है वहां पे, कोई भी नहीं है, लेकिन आपका जहन किधर शिफ्ट हो जाए, किसी ने बेल बजाया उधर, आप कैरेक्टर को जरूर देख रहे हो लेकिन वह बेल का साउंड जैसे ऐड हुआ ऑडियंस का ध्यान पूरा जाता है बेल के साउंड के ऊपर। सो ये डाइजेटिक नॉन डाइजेटिक साउंड और ये जो पूरे लुक्स होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है हमको। तो कोई भी चीज विजुअल मीडियम में, चाहे कोई छोटा सा कॉमा हो, प्लस स्टॉप हो, कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, विदाउट मीनिंग नहीं है। अगर कोई डायग्राम आप दिखा रहे हो, डायग्राम दिखाने का एक पर्पज है, उसको फुल्ली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, अनवांटेड नहीं है वो चीज। कई बार हमने कई वीडियो लेक्चर में देखा है डायग्राम रिसोर्स पर्सन शो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, जहां पे उसको एक या डेढ़ मिनट चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए, वो 10 सेकंड में डायग्राम को पास कर दिया, फिर मतलब क्या था उसको डायग्राम को दिखाने का? डायग्राम आपने रखा क्योंकि उसको एक्सप्लेनेटरी मोड पे आपको जाना था वहां पे, लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया, वो स्टूडेंट्स का लॉस है। तो कोई भी चीज जो भी हम अपना कंटेंट पे लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन उसका सोचिए जरूर, विदाउट पर्पज कोई भी चीज मत दिखाइए।
स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको पहले ही बताया है, स्ट्रक्चरिंग जो भी है आपका वो बेस है, स्केलेटन है किसी भी वीडियो लेक्चर का। जितना अच्छा स्ट्रक्चर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर को, उतना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आप, कोई भी कैमरा हो, किसी भी टाइप का सेटअप हो। टेलीप्रॉम्प्टर हमेशा हम लोग मना करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर आप यूज मत कीजिए। इन केस कोई इशू है तो टेलीप्रॉम्प्टर में आप सारा ले सकते हैं जरूर, लेकिन वो फैसिलिटी शायद ऑफ कैंपसिस लोगों के लिए नहीं होगी, यहाँ स्टूडियो में ये फैसिलिटी आपके पास में। टेलीप्रॉम्प्टर में पीपीटी में आप अपना पूरा स्केलेटन टाइप करके ले आइए, स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, मिड में क्या बोलेंगे, फाइनल आप क्या बोलेंगे, तो आपके सामने रहेगा, आपको क्यू देता रहेगा। क्यू आप टेलीप्रॉम्प्टर से भी ले सकते हैं, सामने लगा हुआ है, आपके पास कागज भी हो सकता है सामने उसका, दोनों से क्यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सबसे जरूरी बात है कि अपना टेक्निकल सेटअप, चाहे स्टूडियो का हो या अपने घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कम से कम 15-20 या आधे घंटे पहले आप सेटअप के सामने आ जाइए, बिकॉज एक टेक्निकल चेकअप बहुत जरूरी होता है। आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप कम से कम 10 या 20 सेकंड का रिकॉर्डिंग पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में करके देख लीजिए, कोई अनवांटेड साउंड तो नहीं आ रहा है, कि आपका विजुअल प्रॉपर है कि नहीं है, आपको वो सारी चीजें डिटेल पता लग जाए, फिर आप पहले रिकॉर्डिंग को प्रेस कीजिए। वो भी मैं भी आप आके बताऊंगा एस्थेटिक्स को कैसे डील करना है। प्रेस बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होती है, एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा, वो हमेशा लाइफ के लिए पड़ा रहेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जब भी आप स्टूडियो में जा रहे हैं, कैमरे के सामने बैठ रहे हैं, अच्छे से ड्रेस होके आइए, प्रॉपरली प्रेस हो कपड़े आपके, स्ट्राइप शर्ट ना पहने, चेक वाले छोटे चेक ना पहने, क्योंकि कैमरे का अपना एक प्रॉब्लम होता है, सही से चेक को रीड नहीं कर पाता है, उसमें ब्लर इमेजेस हो जाती है। बड़े चेक सही है, जैसा आमिर बद्र ने पहना हुआ है, बैसा साहब ने जैसी शर्ट पहनी थी वो प्रॉपर कलर था, अमान उबैस साहब ने विदाउट एनी कोई उसमें ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं है कलर में, तो प्रॉपर कलर दिखाई देगा कैमरे के अंदर। सो ऐसे स्मॉल जो स्ट्राइप्स होती हैं, स्मॉल चेक्स होते हैं, उनको अवॉइड कीजिए, और बहुत ज्यादा जो तड़क भड़क वाले कलर होते हैं उनको मत पहनिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट है आपका, तो कुछ देर के लिए फोकस आपके कपड़ों के ऊपर ही हो जाएगा, या आपका कॉलर अगर मुड़ा हुआ ऐसा रिकॉर्डिंग में बैठ गया तो फोकस वहीं पर रहेगा, यार ये क्यों इसने ऐसा किया हुआ है इन्होंने ये, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग करते हैं जो आते हैं उनको ये फील नहीं होता, लेकिन जो लोग देखते हैं उसको, उनको बहुत जबरदस्त उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो आपके टीचर्स के एटीट्यूड को वो शो करता है कि किस तरीके से टॉपिक को या स्पेस को ले रहे हैं वो। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास में ऑडियंस नहीं है, खाली कैमरा लेंस है, तो आपको जो आई कांटेक्ट बना के रखना है कैमरा लेंस से बना के रखना है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सेकंड लेक्चर में आप आराम से कॉन्फिडेंटली वो आई कांटेक्ट बना सकते हैं, और 10-12 मिनट कोई भी बड़ी बात नहीं है आई कांटेक्ट बनाना कैमरा से, यू कैन इजीली रिकॉर्ड इट। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो सबको अगर जहन में रखेंगे तो कोई दुश्वारी नहीं होगी कभी भी। अच्छा, कुछ लोग क्या करके आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, वो मेमोराइज करके आ जाते हैं, पूरा मगअप कर लेते हैं पूरे लेक्चर को, वो काम नहीं करता इसके अंदर बिल्कुल भी, उसको याद मत कीजिए, बाज़ाब्ता लिख के लाइए उसको। आप लिख लेंगे टेक्स्ट को अपने पूरे पेपर के ऊपर, स्केलेटन लिख लेंगे, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा लेक्चर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन याद मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है मैं कुछ नहीं लिखूंगा, खाली याद करके आ जाऊंगा, उसको बयान कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ये 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आप याद करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे इसके ऊपर, याद मत कीजिए, उसको लिख लीजिए, आप लिख के प्रेजेंट कीजिए। बेस्ट तरीका है अपने सब कुछ तैयार करने के बाद में अपने फ्रेंड के सामने प्रेजेंट कर दीजिए, या मोबाइल फोन के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए एक बार, उससे आपको स्पीड का पता लगेगा, आपके साउंड पैटर्न का पता लगेगा, आपकी ड्यूरेशन कितना आ रहा है उसका भी पता लग जाएगा, तीन चीजें आपको एक बार में पता लग जाएंगी। सो बेस्ट तरीका है, मोबाइल सबसे अच्छा डिवाइस है आज के दौर में, कि आप मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए अपने लेक्चर के। नाउ ये तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट था, ये था अपना IMC स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन जो लोग रिमोटली कनेक्ट होंगे बाहर से, वो जाहिर है लैपटॉप मोबाइल या डेस्कटॉप का सहारा लेंगे, तो उनको किस किस चीज़ों को जहन में रखना है। एक तो इनका अपना एक अलग एस्थेटिक्स है मोबाइल का और लैपटॉप वगैरह का, तो जाहिर है मैं लैपटॉप और मोबाइल जब भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो बेस होना चाहिए जिसके ऊपर रखा हुआ है आपका टेबल चेयर जहाँ पे भी है, उसको पहले सेट कर लें कि वो उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा भी मूवमेंट होगा कहीं पे भी हैंड लगेगा आपका तो वो इमेज भी आपकी शेक करेगी, वो तो वो भी एक नॉइस है ऑडियंस के लिए। तो इसमें हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ पे भी आप सेट कर रहे हैं अपने लैपटॉप को या मोबाइल को, उस वक्त में आपका जो टेबल या चेयर है एकदम स्टडी होना चाहिए, बिल्कुल भी वो इधर उधर ना घूमे, तो वो पूरा चेक कर लें। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा स्पेस चूज करें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप रिकॉर्डिंग के लिए कि जहाँ पे लाइट प्रॉपर हो
और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइज वगैरह ना हो। जैसे घर में हमको रहता है कि मिक्सी चल जाएगी अभी, या किसी ने एसी ऑन कर दिया, कहीं फैन का आवाज आ रहा है, या कोई ठक ठक का आवाज आ रहा है, तो वो सब नॉइज को हमको कट करना है। तो ये सारा एंटिसिपेट करके किस रूम, कौन सा रूम हमको बेस्ट सूट करेगा रिकॉर्डिंग के लिए, वो स्पेस आपको चूज करना है। नंबर थ्री, जो आपका जो बैकग्राउंड है, हमेशा एक लोगों का टेंडेंसी होता है कि एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर भी कि मैं अपने घर की बैकग्राउंड को ही दिखा दूं, कोई तोहरा लगा हुआ है उसको दिखा दूं, या कोई शैंडलियर लटका हुआ है उसको बैकग्राउंड में दिखा दूं। ये बिल्कुल भी टीचर का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए दिखाने का। टीचर मस्ट यूज ए प्लेन, यू नो, एब्सोल्यूट ब्लैंक बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड हो सबसे अच्छा है। आपका ऑब्जेक्टिव अपने घर का बैकग्राउंड दिखाने का नहीं है टीचर्स को, क्योंकि अगर आप वो दिखा रहे हो तो आप स्टूडेंट को अननेसेसरी दूसरी विजुअल के अंदर एंगेज कर रहे हो। आपका जो मेन मकसद है वो है आपको अपने टॉपिक के अंदर एंगेज करना है स्टूडेंट को। सो चूज ए प्लेन बैकग्राउंड, प्रेफरेबली व्हाइट और क्रीम बैकग्राउंड, आपका बिल्कुल एकदम न्यूट्रल बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पीछे। फिर एक जब नेक्स्ट हम पूरा सब कुछ हमने सेट कर लिया कि रूम हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे नॉइज फ्री रूम है, यहाँ पे लाइट भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी मेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अब लाइटिंग अपने को नेचुरल लाइट चेक करना है। ऐसी जगह चूज कीजिए अपने घर के अंदर के आपके बैक से सूरज की लाइट ना आ रही हो या ट्यूब लाइट ना आ रही हो, जो भी लाइट आपके फेस के ऊपर फॉल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सेटअप ऐसा कर दिया कि मेरे बैक से सूरज का लाइट आ रहा है या मेरे बैक से ट्यूब लाइट आ रहा है, तो आपका जो शक्ल है कैमरे के अंदर वो बिल्कुल एकदम ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि जो कैमरे का जो टेंडेंसी होता है वो उसी अगेंस्ट लाइट होता है वो हमेशा। सो लाइट आपको मेन जो है कैरेक्टर को देना है। कैरेक्टर कौन हो? आप हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लाइट आपके ऊपर प्रॉपर आनी चाहिए, आपके बैक से लाइट नहीं आनी चाहिए। तो जब आपको प्लेसमेंट जो भी करना है अपने लैपटॉप का, अपने कैमरे का, अपने मोबाइल फोन का, ऐसा प्लेसमेंट, ऐसी जगह प्लेसमेंट कर रहा है कि लाइट आपके फेस के ऊपर पड़ रही है, ना कि आपके अपोजिट आपके बैक हेड के ऊपर पड़ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब आप रिकॉर्डिंग के लिए फाइनली प्रेस करते हैं, या आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए फाइनली प्रेस करते हैं अपने मोबाइल फोन को या अपने लैपटॉप को, तो हमेशा आप चेक कीजिए इसका ऑडियो लेवल प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि ऑडियो इज द मेन थिंग जो आपका स्टूडेंट को सुनाई देगा। ऑडियो अगर प्रॉपर नहीं है, आपका ब्रेक आ रहा है, तो यू नीड टू रीचेक कि आपके ऑडियो जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए सजेशन दी जाती है सब लोगों को कि आजकल 200-250 रुपए का स्मॉल हेडफोन जिससे बात करते हैं वो बहुत ही अच्छा है, वो नॉइज को कट कर देता है अगर एक बार उसने अपने डिवाइस में इंसर्ट कर दिया। तो बहुत ही छोटा सा माइक्रोफोन होता है वो, 200-250 कॉस्ट है, लेकिन उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइज को कट कर देगा, अनवांटेड जो साउंड आपके इर्द गिर्द आती है उनको भी कट कर देता है वो, तो खाली आपका जो साउंड है वही आएगा मैक्सिमम, और एक अच्छे लेवल के ऊपर साउंड आएगा, वो सेट कर सकते हैं उसको। और मोबाइल को, अगर आपको मोबाइल, मैं सजेस्ट करूंगा किसी पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि मोबाइल कैमरे का क्वालिटी बेटर होता है लैपटॉप कैमरे से। हम लोग लैपटॉप को प्रीफर करते हैं, अगर लैपटॉप ही से हमको रिकॉर्डिंग करना है तो उसका भी एस्थेटिक्स वो आगे 2-3 विजुअल मैं शो करूंगा अभी आपको। लेकिन अगर मोबाइल आपके पास में है तो मोबाइल कैमरे को आप प्रीफर कीजिए रिकॉर्डिंग के लिए, उसका ऑडियो वीडियो दोनों आउटपुट बहुत अच्छा होता है, बेटर आउटपुट होता है मोबाइल का। एक मुझे वो डिवाइस दिखा दीजिए, ये मोबाइल के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही छोटा सा एक, ये देखिए, दिस इज लाइक यू नो 250 रुपीज का एक छोटा सा ट्राइपॉड है, इसको सब लोग खरीद सकते हैं। इसमें मोबाइल यहाँ सामने आके फिट हो जाता है यहाँ पे, इसको किसी भी सरफेस के ऊपर आप लगा दीजिए एक आई लेवल पे, जैसे मेरा आई लेवल ये है, मैंने लगा दिया सामने, ना तो मैं इसको नीचे फिक्स कर रहा हूँ ना मैं इसको ऊपर फिक्स कर रहा हूँ। हमेशा जो भी डिवाइस है, लैपटॉप है या आपका या मोबाइल है, हमेशा आई लेवल पे आपको सामने सेट कर दिया। एक बार आपने सेट कर दिया, आधा आपका वीडियो प्रोडक्शन रेडी हो गया, आपको बटन प्रेस करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये कोई भी खरीद सकता है, दिस इज लाइक यू नो 250 रुपीज ओनली। अच्छा और क्वालिटी खरीदेंगे थोड़ा मेटलिक तो 500 रुपए का आएगा, बट दिस इज लाइक एन वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस नाउ इट इज। ये सब लोग खरीदिए, टीचर्स को मैं सजेस्ट करूंगा ये डिवाइस जरूर रखें अपने पास में। और इंटरनेट कनेक्ट भी अगर रिमोटली कोई कनेक्ट हो रहा है तो 4G मिनिमम होना चाहिए। बेस्ट है कि आपके पास में वाईफाई कनेक्टिविटी हो, देखो वाईफाई कनेक्टिविटी में फायदा ये होगा कि आपके जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस होता है वो मिनिमाइज हो जाएगा, रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगी, 4G में कभी भी इंटरनेट जा सकता है। टिपिकल एस्थेटिक्स है, कैसे आपको कैमरा सेट करना है। ये दो विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे, सामने एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है, सामने अगर कैरेक्टर बैठेगा तो उसके आई लेवल पे आपको सेट करना है कैमरे का लेंस। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कैमरे का लेंस ऐसे मेरे सामने आना चाहिए, ना तो नीचे ना ही ऊपर, बिकॉज ये आई लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए दो विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में एक विजुअल है गुड कंपोजिशन जिसको बोलते हैं, एक राइट साइड में इसको बैड कंपोजिशन हम बोलते हैं।
लेफ्ट साइड में देखेंगे एक मेरा विजुअल है, मेरे साथ में एक मैंने शो किया था, ऑथर थी मोना रोज शीला परेरा बॉम्बे से, वेरी नोन चाइल्ड ऑथर। तो दोनों का हेडरूम देखिए, बिल्कुल भी हेड के ऊपर स्पेस नहीं है और व्हाइट बैकग्राउंड है। देखिए मैंने तो फिर भी तुगरे मेरे इसमें नजर आ रहे हैं कि एजुकेशन प्रोग्राम है, मैं थोड़ा लिबर्टी ले सकता हूँ, एजुकेशन प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मैडम का देखिए एकदम प्लेन बैकग्राउंड है। सो ये हमको मेंटेन करना, जितना प्लेन बैकग्राउंड होगा मीन्स इतना फोकस आपके ऊपर रहेगा स्टूडेंट्स का। मेरे पास देखिए पीछे बैकग्राउंड में तुगरे लगे हुए हैं मेरे घर पे, वहां पे तो फोकस जरूर जाएगा, एक क्या लिखा हुआ है, क्या तुगरा है, तीन तीन तुगरे हैं, शैंडलियर भी रखा हुआ है, एक लाइट भी रखी हुई है। इन सारी चीजों को टीचर्स को अवॉइड करना है। आप राइट साइड में देखिए एक टीचर है, केवी की है, ये मैथ्स पढ़ाती है, ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी स्टूडेंट्स की, उनका एक विजुअल मैंने कैप्चर किया। अब ये देखिए ये कोई कंपोजिशन नहीं है ये पढ़ाने का स्टूडेंट्स को, ये कंपोजिशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है विजुअल मीडियम के अंदर, इसको बोलते हैं हम लो एंगल। इन्होंने क्या किया है कि मोबाइल को ऐसे यहाँ पे पकड़ लिया आपने पास में नीचे, तो जाहिर है हेड के ऊपर इतना सारा स्पेस खाली नजर आ रहा है और पीछे एक हैंगर भी टंगा हुआ है इनके पीछे, वो विंडोज नजर आ रही है, खिड़कियां हैं, कुछ कपड़ा टंगा हुआ है, तो ये सारा ये नॉइज है, एक्चुअली विजुअल नॉइज इसको बोलते हैं। सो ये हमेशा डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट को, मेरी टीचर है क्या पीछे टंगा हुआ है, इनका विजुअल मुझे कैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। सो इसको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है, आपको कंपोज ऐसा करना है जैसे लेफ्ट साइड में आपको विजुअल्स को दिखाया गया है। हाई लेवल पे अपना कैमरा सेट कर लीजिए हमेशा, बहुत ईजी है, हमको खाली फ्लैप करना है अपना जो स्क्रीन है ना, अगर आपका लैपटॉप का स्क्रीन है उसको अप एंड डाउन करके हम सेट कर सकते हैं कितना हेड लेवल रखना है। आपको मैंने अभी छोटा सा डिवाइस सिखाया मोबाइल के लिए, उसको अप एंड डाउन करके मेंटेन कर सकते हैं। बुक के ऊपर रख लीजिए, स्टडी एक बार अपने सेट कर दिया, यू आर ऑल सेट, प्रेस रिकॉर्ड बटन एंड यू आर गुड टू गो फॉर रिकॉर्डिंग। सो ये सारी चीजें थी, एक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में दो पार्ट मैंने डिवाइड किया जो बाहर के लोग ऑफ कैंपसेस के लोग कनेक्ट होंगे। ऑनलाइन मतलब कि जो लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनको हम एक लिंक भेजेंगे, बाहर जो भी लोग सिचुएटेड हैं वो लिंक के थ्रू आईएमसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की जाएगी उनके पास में। एक ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड ये है कि वो खुद ही टीचर्स किसी भी मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग कर लें और वो रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव के थ्रू हमको भेज दें, ये ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज इसमें क्वालिटी लॉस नहीं होगा। ऑनलाइन अगर आप कनेक्ट होंगे तो ऑनलाइन में क्वालिटी लॉस होगा, एक तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी वहां पे थोड़ा क्वालिटी लॉस हो जाता है और प्लस जो रिकॉर्डिंग जो डिवाइस होता है प्लेटफॉर्म वो भी क्वालिटी को थोड़ा डिटेरियोरेट करता है। सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन रिकॉर्ड को आप लोग अडॉप्ट करें, सारे जो ऑफ कैंपस टीचर्स हैं खुद ही रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल से या लैपटॉप से और वो फाइल हमको भेज दें। आप पावर पॉइंट उसके साथ में इंसर्ट ना करें, पावर पॉइंट हमको अलग से भेज दें, हम उसको एडिटिंग में इंसर्ट कर लेंगे जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे ये एक प्लानर सब लोगों को भेजा जाएगा, 21 से प्लानिंग है इसको, 21 तारीख में इनॉग्रल एपिसोड शूट होगा जिसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब चेयरमैन एनईपी वो खुद एग्री हो गए पार्टिसिपेट करने के लिए। वैशन साहब प्रोग्राम के अंदर रहेंगे 21 तारीख में, रजिस्ट्रार साहब उसको एंकर करेंगे प्रोग्राम में। सो एनईपी का एक जाहिर है इतना होलिस्टिक व्यू इससे अच्छा आ नहीं सकता है कि वीसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एनईपी के बारे में और एक चेयरमैन जिन्होंने खुद एनईपी ड्राफ्ट किए उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो उससे अच्छा एपिसोड इनॉग्रल एपिसोड मैं नहीं समझ सकता कि कहीं पे भी कोई प्लान कर सकता है। बाकी लोगों के लिए सारी फोर पार्ट्स हैं सारी पॉलिसी के और 27-28 चैप्टर्स हैं, तो इस टाइप का प्लानर सबके साथ अभी शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि किसका लेक्चर कब रिकॉर्ड होना है और उन्होंने अपना जो ई कॉन्टेंट है शेयर कर दिया कि नहीं टीम के साथ में, तो प्लानर रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिसको भी जो डेट एलोकेट हुई है उसे एक हफ्ते पहले अपना जो ई टेक्स्ट है वो भेज दें हम लोगों को, अगर कोई सजेशन है हम उसको ई टेक्स्ट के ऊपर सजेशन रीड करके आपको वापस रिवर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, तो सब लोगों को थोड़ा टाइमलाइन फॉलो करेंगे अच्छा रहेगा बिकॉज एक प्रॉपर लॉन्च भी प्लान किया गया है इसका अच्छे से प्लेटफॉर्म डेवलप करके। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर के बाजाबता मिनिस्ट्री के थ्रू इसको लॉन्च किया जाए प्लेटफॉर्म को, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ऑल अक्रॉस इंडिया। सो दिस वॉज प्रेजेंटेशन फ्रॉम माई साइड, अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक हम और अमान साहब 5 मिनट का टाइम दे देते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। एक बार इनका ऑडियंस का माइक खोल दीजिए। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो लिख भी सकते हैं कमेंट में, अगर लिखा है तो वी कैन आंसर दोस, अदरवाइज कोई लाइव पूछना चाहते हैं तो लाइव भी
आंसर कर सकते हैं। आदि रियाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी रियाज सर, रियाज सर माइक ओपन कीजिए अपना। किसी का कोई क्वेश्चन आया है कमेंट में? रियाज साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। अच्छा बोलिए। जी रिजवान साहब। जी बोलिए। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल सही बात समझ में आ गई आपकी और अमान साहब से भी बात समझ में आ गई। इंशाल्लाह रहमान दोनों तरह के रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, ई कंटेंट भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी। आप लोगों की रहनुमाई रही तो बेहतर होगा। जरूर इंशाल्लाह। और कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो ग्रुप ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट किया है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आप रेगुलरली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। ओके क्या क्वेश्चन है पूछिए। आप देखिए किसी का क्वेश्चन है शायद कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डेवलपिंग ए पीपीटी। So, PPT का एक खास मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ का आपको जिक्र किया। सो न्यूटन लॉ को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो पर्टिकुलर लॉ की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ना सिर्फ आप बता रहे हैं बल्कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी स्टूडेंट को विजिबल होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, न्यूटन लॉ का डेफिनेशन कभी भी विदाउट एग्जाम्पल नहीं समझा सकते आप। तो कितनी तरीके के तीन चार एग्जाम्पल जो आसान लगे स्टूडेंट्स को भी, जिससे वो न्यूटन लॉ पूरी तरीके से समझ में आ जाए, तो एग्जाम्पल आपको विजुअली या टेक्स्ट के थ्रू आपको होना ही चाहिए। तो पीपीटी का पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे कोई चैप्टर आपको एनईपी का दिया गया, अब एनईपी का चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पांच पॉइंट इस चैप्टर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है जो टेक्स्ट की फॉर्म में देखना ही चाहिए सारे ऑडियंस को, तो उनके बारे में आप पीपीटी बना दीजिए। या पर्टिकुलर कोई हेडिंग है उसके अंदर वो हेडिंग के ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो हेडिंग देके उसके ऊपर दो या तीन लाइन लिख दीजिए उसके ऊपर। तो ऐसे ही करके आप एक दो या तीन, इट डिपेंड्स यू नो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं एज ए रिसोर्स पर्सन एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। जैसे मैंने न्यूटन लॉ का एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से आप ही यू कैन यूज योर ओन विजडम ट्राई डेवलपिंग यू नो। आप एक बार फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पीपीटी एक प्रोड्यूसर को दिया, लेकिन प्रोड्यूसर को लग रहा है एक पूरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद में नहीं यार ये दो और पीपीटी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी ये पीपीटी आना चाहिए। वो फर्दर आपको सजेस्ट कर देंगे, वो तभी सजेस्ट कर पाएंगे आपको कि जब आप एडवांस में एक हफ्ते पहले उनको पीपीटी हैंड ओवर कर रहे हैं। हाँ सलाम जी, फरमाइए जी। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, सब सारी बातें क्लियर है, लेकिन एक ये था जैसे कि आपने बताया कि हम स्क्रीन पे जो भी मवाद बोलना है वो भी हम जो है लिख सकते हैं, मतलब सारा कंटेंट, तो उसका लिए कोई ऑप्शन है क्या कि आईएमसी में हम उसको डिस्प्ले करके फिर उसको देखकर बता सकते हैं? जी उसके लिए टेलीप्रॉम्प्टर है बाजाब्ता आपके पास में, आप पूरा लेक्चर राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पूरा पीपीटी में टाइप करके ला सकते हैं, वो पूरा आपको विजिबल होगा टेलीप्रॉम्प्टर में। अच्छा नहीं, वो पीपीटी तो मतलब वो मतलब हमारे प्रेजेंटेशन के साथ पीपीटी अलग रहेंगे, और कुछ जैसे हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो अगर हम स्क्रीन पे लिख के ला लिए तो उसके लिए फिर स्क्रीन पे भी लिख के लाने के लिए भी आपको पीपीटी ही बनाना पड़ेगा। ओके ओके अच्छा पीपीटी ही बनाया उसके लिए। एग्जैक्टली, तो पीपीटी की शक्ल में ही पूरा आपको टेलीप्रॉम्प्टर पे नजर आएगा, पीपीटी ही आपके बढ़ते चले जाएंगे आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स के लिए हम जो दिखाना चाह रहे व्यू और ये नहीं, दोनों चीजें। सजेशन ये है आपको दो पीपीटी बनाना पड़ेगा। जाहिर है जो पीपीटी आपने अपने लेक्चर के लिए रखा है उसकी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो आप स्टूडेंट को दिखाना चाह रहे हैं वो चंद ही पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट जो पीपीटी की शक्ल में आएंगे। जी, तो दो पीपीटी आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक बार आपने पूरी स्क्रिप्ट अपने जो लेक्चर के लिए आप दे रहे हैं स्क्रिप्ट ना, एक बार आपने वो डेवलप कर लिया तो उससे आप दूसरा पीपीटी बहुत ही इजीली डेवलप कर लेंगे जो चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। अच्छा अच्छा जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो
यस प्लीज रिजवान सर, मैं सिटी भोपाल से इंद्रजीत बोल रहा हूँ, इंद्रजीत दत्ता। इंद्रजीत फरमाइए। सर एक्चुअली मैं जो आपने कहा ऑफलाइन जो ऑफ कैंपसेस के लिए है कि बेटर ये है कि आप ऑफलाइन रिकॉर्ड कर लें अपने लैपटॉप में या आपके मोबाइल में, right. तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे स्क्रीन कास्टोमेटिक एक वो है सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ऑटोमेटिकली आप 15 मिनट तक फ्री वर्जन जो इसका फ्री वर्जन है वो 15 मिनट का आता है, तो 15 मिनट में क्या होता है उसमें लैपटॉप में उसमें दो प्रोविजंस हैं कि आप पीपीटी भी दिखा सकते हैं और साथ में अपने आप को एक कोने में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, राइट तो क्या वो उस तरह का वर्जन एक्सेप्टेबल है? पहली बात तो ये है। नहीं बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। देखिए दो चीजें आपको चेक करनी है उसके अंदर कि वो एसडी आउटपुट दे रहा है कि नहीं, 1280 और 920 वाला आउटपुट दे रहा है कि नहीं। नंबर टू उससे भी बेटर एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा ओबीएस। अच्छा अगर अभी टाइम है तो 5 मिनट को हम दे सकते हैं उमर को। उमर है अभी प्रेजेंट? ओबीएस एक प्लेटफॉर्म है उसको मैं क्विकली आपको दिखा सकता हूँ। स्क्रीन कास्ट से बेटर है, जो 15 मिनट का लिमिट है उसके अंदर वो लिमिट नहीं है, उसमें पीपीटी वगैरह बाजाबता आप इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त में ही। हाँ, कोई नहीं, ओबीएस का हम अलग से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बाकी लोगों के लिए कर देंगे एक अलग से। हाँ ओबीएस का हम एक अलग से प्रेजेंटेशन इसी वीक करा देंगे आप सब लोगों के लिए। ओके ओके। अनदर क्वेश्चन जो है जाहिर सी बात है कि वो 15 मिनट्स का आपने टाइम 10 टू 15 मिनट्स के बीच में कहा है आपने उसका। दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, ये जो पीपीटी हम लोग बना रहे हैं इसमें जो मीडियम या इस्तेमाल करें तो उसमें क्या आप बाइलिंगुअल वर्जन इस्तेमाल करें इंग्लिश और उर्दू या खाली उर्दू इस्तेमाल करें उसमें? इंग्लिश उर्दू दोनों यूज करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है तो दोनों में देंगे क्योंकि वो सारी सलाहें स्टूडेंट के पास में मौजूद रहेंगी। देखिए जो भी पीपीटी आपको सोचना है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, क्योंकि अंग्रेजी टर्म बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉमन हम लोग बात करते हैं हमेशा जनरल टर्म्स में, हमेशा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ही आता है वो जगह जगह पे, सो उसकी उर्दू सलाह बहुत कम आएगी, वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको GER भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप अगर बाइलिंगुअल यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, उसका ऑडियंस आपका बढ़ जाएगा। मैं इसका मतलब ये है कि टेक्निकल टर्म्स को एज इट इज रहने दें, राइट आप टेक्निकल टर्म्स को उसमें चेंज ना करें, उसमें छेड़खानी ना करें, राइट उसका भी आप जैसे अभी मैंने GER का आपको एग्जांपल दिया तो GER का उर्दू भी जरूर लिखिए आप उसमें। अच्छा 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 ठीक। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हेलो ये भानु जी फरमाइए। हाँ जी गुड इवनिंग सर, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ भोपाल से, सिटी भोपाल से। सर मुझे एक्चुअली राइटिंग के बारे में जाननी है, जैसे हमें दो सब यूनिट मिला है इसमें राइटिंग के लिए, राइट और ये दो सब यूनिट जो है किसी एक यूनिट का छोटा सा हिस्सा है, मे बी 1 और 1.5 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लाइक दैट। तो ऐसे कंडीशन में क्या हमें इनका भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करना हो, क्योंकि मेरे सब यूनिट के ठीक बाद किसी और का सब यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी IMC की होगी कि या कंटेंट डेवलपर की होगी कि वो पूरी यूनिट का एक इंट्रोडक्शन और एक पूरे यूनिट की ऑब्जेक्टिव इस तरीके से तैयार करके वो उसको फाइनल वर्जन में देंगे? राइट नहीं देखिए जो स्ट्रक्चर तय किया गया है पूरा ना, वो स्ट्रक्चर तो चाहे वो छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट हो वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा सारे इसके लिए। बाजाबता इंट्रोडक्शन होगा, उसमें मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन आप बताएंगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर पूरा बॉडी होगा, फिर आप कंक्लूजन देंगे उसका और उसका ई रेफरेंसेस देंगे लास्ट में। तो यूनिट के लिए क्या नाम अपने सिद्दीकी सर से बोला है कि हर यूनिट का इंट्रोडक्शन वो 5-5 मिनट का बनाएंगे? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये लेक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, वो अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा, बट ये जो बाजाबता जिनको एलोकेट किया गया है ना वो इनको ये शक्ल पूरा देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन इंडिविजुअल, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपको बाजाबता वो तरतीब पूरा आपको रखना है। ओके राइट। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग फेस में हम देख लेंगे वो अगर या दैट वो स्टेज पे हमको कैसे उसको जोड़ना है ना, दैट विल बी टेक्स्ट मिल जाएगा तो उसको फॉर्मेट कर सकते हैं हम यहां पर भी। या So I think last we can finish with those two videos. एक सर और भी है, एक सवाल जी इंद्रजीत जी बोलिए। मैं इंद्रजीत दत्ता ही बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई जगह पर अपनी एक आध जगह और भी मैंने जो है अपनी रिकॉर्डिंग करवाई है ना जी। सो
व्हाट आई हैव सजेशन, देखिए क्या है ये, मैं सही सच बता रहा हूं, मैं जो मेरे को सजेशंस मिले हैं कि मेरी जो उसके प्रेजेंटेशन यानी कि वीडियो की प्रेजेंटेशन में क्या है कि मैं बहुत ही भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासरूम्स में भी मैं देखता हूँ और मैं खुद भी ऑब्जर्व किया है, मैंने कई वीडियो रिकॉर्डिंग की हैं और उसमें एक दो चीजें जो आती हैं वो क्या है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ अपने सामने वीडियो रखने के लिए, मेरे जो हाथ पैर हैं यानी कि जो स्टिमुलस है जी वो होता है, वो नेचुरल है, इट इज अननेचुरल, उसको कर्व मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कर्व करने की वो नहीं होता है, क्योंकि मैं क्लासरूम्स में भी स्टिमुलस के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक मेरे साथ एक है, तो इसमें क्या एक प्रोविजन है कि अगर कंटेंट मैं राइट कर दूं और वीडियो कोई और रिकॉर्डिंग कर दे, क्या इज इट ए पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं इंद्रजीत जी, देखिए पहली बात तो आप इससे डरिए मत बिल्कुल भी, वो नेचुरल है, किसी के साथ में भी वीडियो कैमरा के सामने जब जाते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन भी वो कभी कभी वो ना 20-25 रिटेक करते हैं, वो इतना बड़ा एक्टर होने के बाद में भी ना, तो जब 20-25 रिटेक हो रहा है ना तो आपका वो स्टिमुलस उसी लेवल पे काम कर रहा है, उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, मैंने अच्छे अच्छे एक्टर्स के हाथ कांपते हुए देखते हैं, पूरी बॉडी को ट्रेम्बल करते हुए देखा है, डायलॉग्स को कई बार रिपीट करते हुए देखा है, छोटे छोटे डायलॉग को ना कई बार रिटेक करते हुए देखा है मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, आप खुद जिम्मेदारी लीजिए, आप खुद ही कीजिए उसको, उसका सबसे बड़ा जो डिवाइस आपके पास मौजूद है आपका ये मोबाइल फोन। हाँ। आप कोई भी आप पूरे लेक्चर को एक साथ में प्रैक्टिस मत कीजिए, आप इंट्रोडक्शन को लीजिए पहले एक या दो मिनट को, जस्ट यू नो रिकॉर्ड इट 2-3 times डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, उसको रिकॉर्ड करके खुद देखिए आपको, मैं आप बता रहा हूँ थर्ड रिकॉर्डिंग के बाद में आपको खुद लगेगा कि नहीं यार मेरा ये वर्जन बेस्ट है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, वो ट्रेम्बलिंग आपका जो सेंसुअल जो आपका लग रहा है ना आपको, वो सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर वो बिल्कुल चली जाएगी आपकी। सो आप मोबाइल फोन के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करते रहिए, दोस्तों को दिखाते रहिए, दोस्तों को जरूर दिखाइए, क्या लोग डरते हैं यार मैंने कितना गलत रिकॉर्ड किया, मैं अपने दोस्त को दिखाऊंगा क्या बोलेगा हंसेगा वो, बिल्कुल ये चीजों को भूल जाइए और एक नहीं कई दोस्तों को दिखाइए आप, ठीक ठीक, तो आपकी छोटी छोटी जो ड्रॉबैक होंगी ना रिकॉर्डिंग की वो निकल जाएंगी आपको, ठीक। थर्ड रिकॉर्डिंग के बाद में फोर्थ रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे ना यू विल बी यू नो वेरी मच कॉन्फिडेंट। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो वील जस्ट वाइंड अप दिस वर्कशॉप विथ टू स्मॉल वीडियोज, थोड़ा सैम्पल वीडियो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आई कॉन्टेक्ट आपको रखना है और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, एक एक मिनट का वीडियो है आप उनको देख लीजिए। पहले अमान उबैद साहब का ही दिखा दीजिए फर्स्ट, ऑडियो खोल दीजिएगा। Dear students, welcome to all of you in this video lesson of B.Ed. first year of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Today, we will have a discussion on meaning, characteristics and functions of language. The topic is prescribed in the first unit, the Introduction to English Language Teaching of the course Pedagogy of English for both regular and distance mode students of B.Ed. In this video lesson, we will try to find out the answers of these questions. What is language? What are the characteristics of language? And what are the functions of language? This video lesson will in. So आपने देखिए ये वीडियो लेक्चर देखा, छोटा सा हमने झलक दिखाया आपको, आप ही के कुलीग हैं, इतना खूबसूरत लेसन इन्होंने रिकॉर्ड किया, बिल्कुल भी आई कॉन्टेक्ट उनका नहीं टूटा कैमरे से, सामने देख रहे हैं वही उनके पास में क्लास, उनकी पूरी कैमरा लेंस है। नंबर टू, जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पहले अपना बाजाबता इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने बताया कि इस लेक्चर के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी उन्होंने तरतीब बता दी, तो जाहिर है उन्होंने पूरे लेक्चर को पहले से तरतीब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कंफ्यूज होने का या फंबल करने का, आप भी कर सकते हैं, आप ही के कुलीग हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग है, कोई भी इसमें दुश्वारी ना कोई नॉइज है ना कोई स्टिफनेस है बॉडी में, बिल्कुल कंफर्टेबली कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर रेडी है जो उनको बताना है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, मैं ये बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को और इस फॉर्मेट में बताऊंगा मैं सारे स्टूडेंट्स को, यही आप सब लोगों को करना है। एक और दिखा दीजिए नल सर का, फैजान साहब का दिखा दीजिए, एक हमने ये मूक रिकॉर्ड किया था नलसर यूनिवर्सिटी के लिए, मूक का प्रोजेक्ट, उसके लिए कुछ देर के लिए वीडियो लेक्चर।
Hello, welcome to yet another session with me in the refresher course NALSAR is doing for law teachers. We are receiving enthusiastic response. You can write to us. We would try to respond back to you. If you have any comments or questions, please don't hesitate. We are all colleagues. We learn from each other. Maybe from your questions, we would learn something. For today's session, I am going to talk of citizenship, Citizenship Amendment Bill, how Constitution looked at it, how the Citizenship Act looked at it. So just look at the Aman Saab ka presentation abhi aapne dekha. He is associate professor here. Aapne Faizan Mustafa Saab ka presentation dekha. Ek legend hai apne field ke andar, vice chancellor hai abhi. Bilkul same level pe dono ka presentation tha. Bilkul bhi difference nahi hai ki ek बहुत अच्छा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है या कुछ इधर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है. दोनों का प्रेजेंटेशन स्टाइल एकदम सेम है. फैजान साहब का थोड़ा एकदम बात करने का स्टाइल था, जैसे ऑडियंस से बात कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर ही स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया उसी हिसाब से स्टार्ट किया. आप भी डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा फ्रीडम आपके पास में इस तरीके से बात करने का ऑडियंस के साथ में. स्पोकन लैंग्वेज एक होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर फिर वहीं पर आ गया. फैजान साहब ने ही बताया आपको मैं इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी बाज़ाब्ता तैयारी करी है पूरे लेक्चर की. ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो ब्लैंक एकदम आके आके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो भी बाज़ाब्ते पूरा हमको मटेरियल रोजाना शेयर करते थे कि आज हम ये बताने जा रहे हैं, ये मेरा मटेरियल है, ये मेरे पीपीटी होंगी. पहले आप ये सोचिए, एक वाइस चांसलर लेवल का इंसान जो कि इतना काम किया हुआ, इतना सीनियर इंसान, वो रिकॉर्डिंग करने से पहले हमको एक हफ्ते पहले अपना पीपीटी, अपना पूरा मटेरियल भेज दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते इस चीज को. ही इज मोर बिजी देन अस. और बिल्कुल अमान साहब का लेक्चर उसी लेवल का है जिस लेवल का फैजान मुस्तफा साहब का है. खाली पिकअप करने की बात इसमें यह है कि दोनों ने टेक्निक को पिकअप कर लिया है कि हमको ऐसे प्रेजेंट करना है लेक्चर, बस यही इसकी सक्सेस का राज है और कुछ भी नहीं है. अच्छा, जो गलतियां करते हैं कुछ लोग, स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती है, जो जैसा हमारा सिम में लिखा हुआ है वही लैंग्वेज कॉपी करके वो प्रेजेंट कर देते हैं, उसको अवॉइड करना है. अब स्पोकन लैंग्वेज क्या होती है और एक जो टेक्स्ट की लैंग्वेज होती है, किताब की जो शक्ल होती है, उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जो हमको नहीं करना है. है कि तख्लीकियत है मुंदरजा ज़ैल चार अवामिल पर मुनासिर. सबसे पहले उसने कहा कि तख्लीकियत किसी मसले का हल निकालने से कीजिएगा. आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया मुंदरजा ज़ैल, यहाँ पे मुंदरजा ज़ैल कुछ भी नहीं है, वो किताबी किताबी लैंग्वेज है, क्योंकि जो किताब में हम पढ़ते हैं कि नाउ यू विल सी दी फॉलोइंग पॉइंट्स. अब यहाँ फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीके से बोलना है इसको, ये लैंग्वेज को. आइए मैं अब आपको इस टॉपिक के इस पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं. ऐसे आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपनी लैंग्वेज को. सो फॉलोइंग मुंदरजा ज़ैल, ये लैंग्वेज टीवी के लिए ही बोला जा सकता है, वो किताब के लिए वो लैंग्वेज सही है, उसी के लिए सूट करती है. तो ये छोटी छोटी चीजों का आप खुद एक एक्चुअली एक कॉमन सेंस होता है, आपको खुद डेवलप हो जाएगा. अभी जब ऑडियंस से बात कर रहा हूं तो मुझे कैसे बात करना है. सो आई फिनिश माय प्रेजेंटेशन हियर एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. ओबीएस का एक अलग से हम आपका वर्कशॉप करा देंगे बहुत जल्दी इसी वीक में. सो वी कैन फिनिश.